आज की रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आप इसे बिना ट्राई किए तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। साथ ही पूरी के साथ ये कटहल की सब्ज़ी अगर मिल जाए तो खाने का मज़ा ही दुगुना हो जाएगा। और अगर आपको ये पारंपरिक रसोई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इसे लाइक ज़रूर करना। चलिए बनाते हैं। तो ये मसालेदार पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे सूजी। माँ ने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ले लिया है। अब इसे माँ डालेंगी गर्म पानी में। यहाँ पे आप ध्यान रहे कि ठंडे पानी का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। और एक कटोरी सूजी में माँ ने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको यहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रहने देंगे। सूजी को थोड़ी देर रेस्ट पे रखने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये सूजी को हमने रेस्ट पे रखा था, उस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी पूरियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ पर जाएगा आलू, और ये बॉयल आलू है जैसे कि मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर दिया है। और ये 4 से 5 बड़े आलू थे। और अब यहाँ पर जाएगा कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, जाएगा यहाँ पे अब चाट मसाला। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे सौंफ का पाउडर। यहाँ पे मैंने सौंफ को दरदरा कर दिया था। और यहाँ पे अब जा रहा है अजवाइन। अजवाइन को पहले आप हाथ से कुछ इस तरीके से रब करो, फिर ही डालना, उससे अजवाइन का फ्लेवर अच्छा होता है। साथ ही यहाँ पे जाएगा नमक। नमक जाएगा यहाँ पे स्वाद के अनुसार। और नमक डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना सभी चीज़ों को। और जैसे ये सारी चीज़ें मिल जाए फिर आप यहाँ पे ऐड करना आटा। और ये गेहूं का आटा है जिसे हम रोज़ रोटियाँ बनाते हैं, तो वही आटा आपको यहाँ पे मिक्स करना है। और कटोरी के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे हाफ कटोरी के लगभग यहाँ पे आपको आटा लग जाएगा। मिलाने के बाद अगर आपको थोड़ा सा कम लगे, लगे कि हल्का सा चिपचिपा है अभी भी, तो अभी आप फिर से यहाँ पे आटा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से जब यहाँ पे इसका डो तैयार हो जाए फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना। और पूरे डो में इस तरीके से ऑयल अप्लाई करने के बाद अब हम इसके तैयार करेंगे पूरियां, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना कि हाथों में तेल अप्लाई कर लेना। उसके बाद आप यहाँ लेना एक बड़ी सी लोई, जैसे माँ ने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद आप यहाँ जहाँ भी इसे बेलना चाहते हैं, चकले पे या फिर किचन काउंटर पे, वहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से तेल अप्लाई कर लेना है। और इसे कुछ इस तरीके से आपको फैलाते हुए चपटा कर देना है। उसके बाद कटोरी की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रहे कि यहाँ पे पूरी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आम पूरी के मुकाबले ये पूरी थोड़ी सी मोटी ही रहती है, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी बचे हुए डो हम इसे इस तरीके से हटा देंगे और फिर से हम पूरी बनाने में इसे इस्तेमाल कर लेंगे। और अब इस पूरी को हमें फ्राई कर लेना है। तो जब तेल का टेम्परेचर पूरा हाई हो तभी आप इसे फ्राई करना। और आप इसे अलट पलट करते हुए आप कुछ इस तरीके से फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये पूरी फ्राई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरी फूल चुकी है। और जैसे ये दोनों तरफ से इक्वली फ्राई हो जाए फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। तो ये लीजिए, इतनी सारी पूरियाँ हमने यहाँ पे निकाल ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। और आप इसे वैसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं इसे सर्व करूँगी कटहल की सब्ज़ी के साथ। लेकिन आप कहेंगे कि कटहल की सब्ज़ी तो आपने बताई नहीं। बताई है, उसकी मैंने स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी। नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में चाहिए, वहाँ पर आपको ये सब्ज़ी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप पूरी बनाइए और चैनल पर जाके आप मेरी कटहल की सब्ज़ी देखिए और वहाँ से आप कटहल की सब्ज़ी बनाइए। और बहुत जल्द मैं आपके साथ बिना प्याज लहसुन के कटहल की सब्जी भी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कैसी लगी आपको ये मसालेदार मजेदार ये पूरी, अच्छी लगी ना? तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस पारंपरिक रसोई को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ मैं और माँ फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस पारंपरिक रसोई को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय पूरी सब्जी। बाय बाय।